नमस्ते, बाइक देखनी है क्लासिक लुक के साथ और आपको चाहिए कि यार नहीं आ रही, बहुत कॉमन हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिज़ाइन क्लासिक ही चाहिए, थोड़ी डिफरेंट चाहिए और उसी टाइप एक क्रूज़ बाइक चाहिए, तो यार आपके लिए एक ऑप्शन है ना, ये है यजदी रोडस्टर। यजदी 2022 में ये बाइक हमने देखी थी, जनवरी 22 में इसका फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था एंड BS6 Phase 2 कंप्लाइंस हो गई है। ये E20 फ्यूल को ये सपोर्ट करेगी और इस बाइक के अंदर क्या क्या मिलता है इसके लुक के अलावा वो सारी वीडियो में जानेंगे। यजदी रोडस्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 2,06,000 से और 2,13,000 तक इसका एक शोरूम प्राइस रेंज जाने वाला है। इसके अंदर आपको ड्यूल सेट बेसिकली यहां पर देखने को मिलेंगी, एक स्मोक ग्रे है, इन्फेर्नो रेड है और ग्लेशियर व्हाइट है। इसके अलावा यहां पर आपको 334 cc का लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है चलिए जानते हैं। यजदी रोडस्टर क्लासिक बाइक जिसके अंदर आपको राउंड शेप में हेडलैम्प नजर आएंगे, बट यहाँ पर LED हेडलैम्प ऑफर किए गए हैं। सस्पेंशन जो है आपको फ्रंट का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नजर आ जाएगा आपको एंड इसके अंदर सभी जगह इसके जो फ्रंट एंड रियर दोनों मडगार्ड मेटल में नजर आएंगे, तो आपको थोड़ा पुराना वाला फील आपको यहाँ पर नजर आएगा। व्हील्स की बात कर ले, यहाँ पर मिल रहा है फ्रंट के अंदर 18 इंच का टायर मिल रहा है 100 सेक्शन के साथ, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, ड्यूल टोन आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा मशीन कट फिनिशिंग के साथ और उस पर यजदी की ब्रांडिंग वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा और ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे। फ्रंट का डिस्क डाया है वो 320 mm का देखने को मिलेगा, रियर का थोड़ा सा कम है तो रियर की तरफ बाद में बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर इसके बाद मूव करते हैं इसके इंजन की तरफ, जो कि आपको 334 cc का लिक्विड कूल इंजन रहने वाला है, ये इसका कूलिंग मैकेनिज्म। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा यानी इसके कूलेंट का इनलेट, यहाँ पर इसका कूलेंट का स्टोरेज होगा और इसके लिए प्रोटेक्शन भी दे दी गई है फाइबर में। थोड़ा सा पीछे कुछ ऐसा इसका साइड का लुक नजर आएगा आपको। ये जो 334 cc का इंजन है ये 29 PS की पावर और 29 Nm का टॉर्क दे देगा। इसके अलावा इस बाइक की डायमेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 30 की माइलेज आराम से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट, एक तरफ आप इसका स्टोरेज एरिया दिखेगा, दूसरी तरफ आपको इसकी बैटरी का प्लेसमेंट नजर आ जाएगा जिस पर यजदी रोड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए राइट हैंड साइड जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ पर आपको एक साइलेंसर का एग्जॉस्ट नजर आ रहा होगा, जी फंक्शनल है, डमी नहीं है। उसके अलावा फुटस्टेप एंड ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। पीछे की तरफ पिलियन के लिए ग्रैब दे दी गई है सो दैट ही कैन सिट कंफर्टेबली। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर इसका ब्रेक के लिए लिक्विड टॉप अप आप कर सकते हैं, ये बाहर की तरफ दिया है रियर ब्रेक के लिए। एंड स्प्लिट में सीट मिलेगी। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं, रियर में मिलेगी आपको LED टेल लैंप्स और वही राउंड शेप में छोटी सी रखी गई है तो काफ़ी इसको क्लासिक फील देने के लिए। एंड यहाँ पर आपको जो रियर का टायर साइज है वो नज़र आएगा, 130 सेक्शन का 17 इंच का टायर, ट्यूबलेस। रियर के अंदर भी आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक विद ABS, रियर का डिस्क डाया जो है 240 mm का रहने वाला है, तो ये सारा फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। रियर का सस्पेंशन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन नजर आएगा हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ दोनों तरफ और ये 5 प्री एडजस्टमेंट के साथ आपको मिल रहा है, अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अपोजिट साइड चलते हैं, इधर आपको एक एग्जॉस्ट एंड गियर सिस्टम नजर आ जाएगा। यहाँ पर इसके गियर जो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा ये। और आगे ऊपर टेलीमेटिक्स की बात कर ले तो टेलीमेटिक्स यहाँ पर सबसे पहले इसके टेलीमेटिक्स में सबसे पहले इसका फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है एंड ये स्पीडोमीटर आपको छोटा सा है बट काफी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। इसी के अंदर आपको मिलेगा डिस्टेंस टू एम्प्टी गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड स्टैंड ऑन है तो साइड स्टैंड ऑन की वार्निंग यहाँ पर नजर आ जाएगी एंड सारे फंक्शन और सारी वार्निंग साइन इसी के अंदर मिल जाएंगे। स्पीडोमीटर और RPM मीटर भी यहाँ पर ही नजर आएगा, तो मतलब ये छोटा है बट काफी सारी चीजें इसी के अंदर इंटीग्रेटेड करके दी हैं सो दैट आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकें। एंड यहाँ पर हैंडल बार्स पर इसके स्विचेस हैं जिससे आप डिफरेंट मोड और डिफरेंट आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। फ्यूल टैंक पर आपको 2 सेट एंड यजदी का लोगो 3D मोनोग्राम के साथ नजर आएगा, 12.5 लीटर का ये फ्यूल टैंक है,
तो कैसा लग रहा है आप ये डिजाइन वाइज आप मुझे बताना। और इसके अलावा आपको क्या लगता है ये जावा 42 यजदी रोडस्टर कौन सी आपकी पिक रहेगी, बिकॉज दोनों बाइक का ऑलमोस्ट सेम लुक है, सेम फीचर्स हैं एंड सेम ही प्राइस रहने वाला है। एंड अभी जावा क्लासिक आ रही है उसके अंदर ये वाला इंजन शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स करके बताना। बाकी इसके राइवल्स की बात कर ले तो यहाँ पर इसके राइवल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 350 सीसी सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं, होंडा हो, आरी हो, जो आरी इस सेगमेंट को रूल करती है, आरी से मेरा मतलब रॉयल इनफील्ड जो इस सेगमेंट को रूल करती है। बाकी होंडा की भी बाइक्स आ गई है, होंडा क्लासिक CB350 आ चुकी है, KTM ड्यूक आप ले सकते हो, होंडा हाईनेस देख ले सकते हो, तो क्लासिक 350 भी है, हंटर 350 भी है, जावा 42 है ऑफकोर्स, और जावा की क्लासिक भी आ रही है अभी। तो राइवल्स की जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, एंड उस लिस्ट में इस बाइक के लिए फाइट करना इट्स नॉट ईजी गेम। तो आपकी क्या पिक रहेगी, ये वाली बाइक या जावा या आरी, कमेंट्स करके बताना। चलो इसी के साथ इसकी जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स है वो सारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और कैसी लग रही है आपको बाइक लुक से वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग, और फोर व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।